नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, कोटा क्या है? तो कोटा जो होता है, ऑप्शन सी आयात की मात्रा की सीमा होती है कोटा। नेक्स्ट, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी प्लिंट कांच का। अगला क्वेश्चन है, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए प्रकाश। ओके, और बाकी के जो तीन हैं वो सही हो जाएंगे, आर्द्रता, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें सही हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? ऑप्शन बी खैर। अगला है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए गुजरात विजय की स्मृति में। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है क्योंकि? ऑप्शन सी चंद्रमा के ताप पर गैस अणुओं का वर्ग माध्यम मूल वेग चंद्रमा से पलायन वेग से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा स्रोत भारत के प्राचीन इतिहास के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलेख। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने मध्यकाल में भारत की यात्रा नहीं की? ऑप्शन सी डायमेकस, बाकी ने की थी मार्को पोलो, अथेनेसियस, निकितिन, अब्दुल रज्जाक, इन तीनों ने की। और अगला है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 अक्टूबर। हाइड्रोजन सल्फाइड अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का कारण क्या है? ऑप्शन डी हाइड्रोजन आबंधन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए पोलैंड। नेक्स्ट, बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन बी नौकागमन। हड्डियों का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन डी ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता? तो ऑप्शन सी इसके साथ, पेंच गढ़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे? ऑप्शन डी शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कथन है, कारण है, कोट के माध्यम से बताना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, तो सही वाला देख लेते हैं। कथन कि समस्त अणुओं की परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु संहति एटॉमिक मास भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, हम लघु तरंगे तरंग के प्रसारणों को दीर्घ तरंग के प्रसारणों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा। परंपरा से लघु तरंगे लंबी दूरियों के लिए हैं और दीर्घ तरंगे छोटी दूरियों के लिए आरक्षित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी यकोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? ऑप्शन डी लसीकाणु, जिसको कहते हैं लिम्फोसाइट। अगला है, टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या होता है?
ऑप्शन डी परख नली में निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण। अगला क्वेश्चन आपका है, मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने किसे भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था। ऑप्शन डी राजा राममोहन राय को। निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना है। ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था। ऑप्शन सी बम्बई से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, अपवर्जन एक्सक्लूशन शब्द निम्नलिखित वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबद्ध है। ऑप्शन ए पाउली। अगला है, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। ऑप्शन बी चना। नेक्स्ट है, जिस समिति की संतुष्टि पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोटेशियम। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है। ऑप्शन बी नागराज किंग कोबरा। अगला है, निम्न सूचियों में नदी घाटी परियोजनाओं तथा संबद्ध नदी के नाम दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित कीजिए। सूची एक में परियोजना का नाम है और सूची टू में नदी है और आपको कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ओके, देखिए इसका जो है पहला है इडुक्की परियोजना, इसका देखिए इडुक्की परियोजना का हो जाएगा तीसरे से पेरियार नदी और फिर हो जाएगा आपका दूसरा वाला क्या है टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना का हो जाएगा पहले वाले से ये बिलंगना भागीरथी। ओके, अब देखिए सी है माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना, इसका चौथे से हो जाएगा बेतवा नदी और फिर है जायकवाड़ी परियोजना, इसका हो जाएगा गाइस दूसरे से गोदावरी नदी। अगला है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया यह है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। अगला है, स्वतंत्रता समता बंधुता यह नारा वस्तुता दिया गया था। तो ऑप्शन बी फ्रांसीसी क्रांति में। अगला है, हथेली पर ईथर की कुछ बूंदें डालते ही हमें ठंडक महसूस होती है क्योंकि ईथर। तो ऑप्शन बी हाथ की त्वचा के छिद्रों में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित खजैन उल फतूह निम्न में से किसके संबंध में जानकारी प्रदान करता है। ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, ग्रेट बैरियर रीफ जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, साधारण विसंक्रामक के रूप में और गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन है। ऑप्शन सी पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि से राज्य को राजस्व सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है। ऑप्शन ए वित्त आयोग। नेक्स्ट, इस्पात या आयरन वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है। तो ऑप्शन सी यसद लेपन। नेक्स्ट, प्रकाश ऑक्सीकरण फोटो ऑक्सीडेशन प्रक्रम निम्नलिखित द्वारा प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी प्रकाश। और निम्नलिखित में से कौन मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवंशिक रूप से अनियंत्रित प्रथम जीवित जीव है। ऑप्शन ए टॉली। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, अगला क्वेश्चन है,
किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन डी, 44वां। अगला है, रामसर सम्मेलन संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्द्र भूमि के संरक्षण से। और निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? ऑप्शन ए, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट, निम्न विशेषताओं के आधार पर जलवायु प्रदेश निर्धारित करते हैं या निर्धारित कीजिए? तो देखिए, ये दिए गए हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे 40 से 60 डिग्री, उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य। दूसरा है, ग्रीष्म का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस, शीत का 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। और तीसरा कहता है, औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर तक, पर्वत अभिमुख ढालों पर 250 सेंटीमीटर से 375 सेंटीमीटर तक। और चौथा है, जलवायु वर्ष भर सम ग्रीष्मकाल शीतल। तो कोड के माध्यम से आपको बताना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी, पश्चिम यूरोपीय तुल्य जलवायु। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।